हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। यूपी पाठशाला पर आज हम मनोविज्ञान का भी मॉडल पेपर देखेंगे और ये मॉडल पेपर है आपके लिए फोर्थ। इससे पहले तीन मॉडल पेपर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सिलेबस के पैटर्न पर उसमें कराए गए हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं करे हैं तो कृपया करके पहले उन्हें कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ ए उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, बी उन्हें खेलने का मौका मिले, सी उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, डी कड़ा अनुशासन हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी ऋणात्मकता का वो दौर होगा या निगेटिव सेंस आ रहा होगा किसी ऑप्शन में, वो नहीं होगा, इसे कड़े अनुशासन, तो इसे आग बंद करके बंद कर दीजिए। तो हम लोगों के सामने बस एक ऑप्शन सबसे बेटर लग रहा है, वो है ए उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है, वह किस चीज़ का उदाहरण है ये बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फिर भी मैं यार एक बार बोल देता हूँ, ए वाचिक अधिगम, बी प्रेक्षण अधिगम, सी कौशल अधिगम, डी अधिगम अंतरण। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो किस चीज़ का उदाहरण है भाई ये? तो ये है दोस्त, किसी जब कोई विद्यार्थी होता है ना, वो शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करता है, तो उसे हम बोलते हैं भाई प्रेक्षण अधिगम। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भाई, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश चाहिए, ए सघन अभ्यास कार्य होना, बी समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सी सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, डी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। जल्दी बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, चारों ऑप्शन आप सभी के पास हैं, अब बताइए भाई, जो निदान के बाद क्या होता है? उपचारात्मक कार्य होता है, जो जो कमियां पाई जाती हैं उसे दूर किया जाता है, ठीक है ना। तो उनके निदान के बाद उन्हें एकदम क्या देना चाहिए भाई, समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। इससे विद्यार्थियों को क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जो जो उसमें निदान था उसमें कमियां थी उसे दूर करने में सहायता मिलती है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निदान के बाद उपचारात्मक देना चाहिए कार्य, ठीक है, इसे याद रखना। फोर्थ ऑप्शन है दोस्त आप सभी के सामने, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह इंगित करता है भाई वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुटित है, डी वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। दोस्त क्या राइट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसका हो जाएगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। आपको इस प्रकार की पूरी पूरी उम्मीद है भी क्वेश्चन मिलने की। ये क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ काफ़ी अच्छा है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, डी इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने NCERT का एक लेक्चर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, और अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा ना आप इजीली इसका आंसर कर दोगे। NCF क्या है भाई, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, इसमें यशपाल समिति जी ने इस पर योगदान दिया था, अपनी अध्यक्षता में ही यह से प्रस्तुत किया था, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध था उसमें से उद्धृत किया गया है, लिया गया है, ठीक है दोस्त। मैंने सब कुछ उस लेक्चर में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाके कृपा करके देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं, वे कैसे सीखते हैं, बी शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, डी सीखने की अनुपस्थिति। तो आप दोस्त देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वह कैसे सीखते हैं, इसका ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है दोस्त। सेवेंथ क्वेश्चन, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह शाह और बाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी, अब देख लिए भाई क्या होता है जब वह अंतर नहीं कर पाता, तो उसका क्या होता है? तो जल्दी सोचिए, चारों ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अंतर ही नहीं कर पाता तो क्या होगा भाई इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द जबलिंग विकार। ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आपको डिसग्राफिया बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो भी क्या था, लिखने से संबंधित है। तो सब कौन सा प्रेफरेंस जाएगा? शब्द जंबलिंग विकार। ये क्या होता है भाई, देखिए जो अक्षरों के हेर फेर से शब्दों को ना पहचान पाना ना, एक प्रकार का बेकार है। मतलब हम शब्दों का हेर फेर कर दे रहे हैं, हम शाह को वाज बोल रहे हैं और न्यूक्लियर को अनक्लियर बोल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं भाई शब्द जंबलिंग विकार। विकार मतलब उसमें चेंजेस करके बच्चे के सामने उसी समस्या का निदान करना, पता लगाना, ठीक है। एट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा भाई ये मॉडल है, आप देख लेना। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम डैश ए उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, सी बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो भाई प्रेफरेंस जाना आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है वही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे अगर उसमें कोई कमी आया है तो उसे जांचिए और उसे सुधार करने के लिए तत्पर रहना होगा, तभी बच्चे में क्या होगा, विकास होगा। नाइन्थ क्वेश्चन भाई, कोलवर्क के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, ए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सी धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, डी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। दोस्त आप देख लीजिए वही क्या होगा इसका। आपको पता है मैंने कि कोलबर्ग ने सिर्फ नैतिक विकास पे किया है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास पे किया है, और जीन पियाजे जी ने विकासात्मक और संज्ञानात्मक विकास पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो वहाँ से भी आप इसका आंसर पकड़ सकते थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, कोलवर्क जहाँ पर दिखाई दे वहाँ नैतिक मुद्दों की बात होगी, तो नैतिक मुद्दों पर बिल्कुल एकदम आपको पकड़ना है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, सी अलग से संचालित होना करना चाहिए, डी अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब जो क्रिएटिविटी है ना, ये गतिविधियाँ हैं, ये सप्ताह में एक बार ज़रूर होनी चाहिए, बच्चे को बाहर के वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। NCF 2005 ये कहता है कि बाहर की शिक्षा से जोड़कर ज्ञान देना, ठीक है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी, तो सप्ताह में एक बार होना चाहिए। दोस्त 11th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? क्या भी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ए चढ़ना, बी पुदकना, सी दौड़ना, डी लिखना। भाई देखिए इसमें केवल लिखना जो है ये अधिगम का एक हिस्सा है और यही सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, डी उसे उसके भाग्य पे छोड़ देंगे। आपको ऑप्शन देखते ही पता चल रहा होगा भाई 12th का क्या हो जाएगा, सी। तो कोई भी बच्चा है तो हम उसके साथ क्या है, परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है यार, जब क्वेश्चन पेपर आए ना, बहुत ही ध्यान से बिना डरे अच्छे से बस क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शन पढ़ने हैं, तो आपके सामने खुद ही उसका आंसर पता आपके माइंड से आ जाएगा। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हो ना, 100% आपके भाई मनोविज्ञान में 25+ स्कोर करके आओगे, और 22 दिसंबर को सुनने में आ रहा है कि आपको यूपी टेट होगा ना, तब तक आपको भाई 35 से 40 मॉडल पेपर करा दिए जाएंगे। और विश्वास करिए अगर आपने ये मॉडल पेपर लगातार कर रहे हो ना, एक अलग ही फीलिंग पेपर में बैठते ही आपको मिलने वाली है, मेरे पे विश्वास करिए। मैं आपसे विश्वास कर दिलाना चाहता हूँ बिल्कुल, कि वही 25+ नंबर ठोक के आओगे एकदम।
एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि होगा। वही बुद्धि लब्धि का एक सूत्र होता है, आपसे बता देता हूँ, IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और गुणा में क्या होता है दोस्त, गुणा में होता है 100। क्या होता है? 100 होता है, ठीक है, गुणा में 100 होता है। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी दे रखी है आप सॉल्व कर लीजिए भाई। मानसिक आयु IQ इजिकल टू क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, मानसिक आयु, और शारीरिक आयु को ही हम वास्तविक आयु कहते हैं, ठीक है। तो 10 गुणा में 100, बस सिंपल है भाई, एक नीचे वाले 0 से ऊपर वाला 0 काट दो, तो क्या हो गया, जब 12 की हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 गुणा 10 इक्वल टू 120। सिंपल सा आंसर था, ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों है भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सी सामान्य बच्चों है भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, डी सामान्य बच्चों है भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। जल्दी सोच लीजिए, ऑप्शन आप सभी के सामने वही स्क्रीन पर है, तो इसका क्या होगा भाई, इसका राइट चला जाएगा बी। जो समेकित शिक्षा होती है ना, इसमें हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। अब मैं जल्दी आपके लिए एक लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, समावेशी शिक्षा पर होगा। समावेशी शिक्षा पढ़ने से पहले सृजनात्मक बालक के बारे में मैं आपको डिफाइन करूँगा एक लेक्चर में, उसके बाद हम समावेशी शिक्षा वाली यूनिट स्टार्ट कर देंगे भाई। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, बी आदर्श रूप से बर्ताव कर, सी महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो 15 क्वेश्चन का नंबर आप देख लीजिए, इसका राइट प्रॉपर जाएगा वही आदर्श रूप से बर्ताव कर कर, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को वही तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, दर्शाता है भाई। आपको पता है जब जेंडर होते हैं ना, मेल फीमेल, और उनमें डिफरेंस ही दिखाई जाती है, तो उसे कहते हैं भाई लैंगिक। आँख बंद करके लगा देना भाई, लैंगिक पूर्वा दिखा रहा है, जहाँ भी अगर फीमेल और मेल में, ठीक है, अगर डिफरेंस हो रहा है, उनमें अनियमितता दिखाई जा रही है, जेंडर इक्वलिटी का खतरा हो रहा है, एक चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़कियों को दबाया जा रहा है, तो वहां पर होता है लैंगिक पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा, जल्दी देख लीजिए, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे देखो भाई, विकास जो होता है ना, सबका अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बालक है, अगर एक बालक है हमारे, यह आप कज़िन देख लीजिए कि हमारा कज़िन है, अगर वो हम में तेज़ है ना, वही वाला ज्ञान हम में नहीं होगा, हम में कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ विभिन्नता होगी, कुछ ना कुछ व्यक्तिक भिन्नता पाई जाएगी। जो ये व्यक्तिक भिन्नता ही है ना, तो ये क्या है, विकास दर में बिल्कुल समान नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो, तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, द्रव्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, सी कक्षा में चला जाए, डी कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो वे क्या होगा, तो वे शिक्षण विधि बदल दे, जो पढ़ा रहा ना, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर उस चीज को थोड़ा हल्के वे में बताकर अलग तरह से पेश करेगा ना, तो बालक जो माइंड उस टाइम लगा रहा था ना, वो दूसरा माइंड उसमें लगाएगा, उसे लगेगा कि हाँ कुछ मैं नया सीखने वाला हूँ। तो यही क्या है, उसे शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो 19 का चला जाएगा भाई, किस में चला जाएगा, जो तो व्यवहार है ना, वो चला जाएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में, ठीक है। जो व्यवहार का करना है ना,
वो गतिक क्षेत्र में आता है, मतलब कुछ ना कुछ हम करके सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ गति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गति करके जो भी हम क्रियाविधि कर रहे हैं, क्रियाविधि कर रहे हैं, जो हमें अंतर आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसे ही कहते हैं वही व्यवहार का करना या करके सीखना, तो सीखने के गतिक क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बी शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, डी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो दोस्त 20 का ऑप्शन चला जाएगा ए। जो विकास के सिद्धांत है ना, शिक्षक में क्या सहायता करता है, शिक्षकों शिक्षार्थियों की विभिन्न विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संभावित करने में, संबोधित करने में। ठीक है, अगर वो अलग की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कोई ग्रामीण शैली से आता है, कोई शहरी क्षेत्र से आता है, तो उनमें ही एकता लाना, एक प्रकार से सिखाना ही क्या होता है, शिक्षक की सहायता करता है अलग अलग सीखने में। तो इसका 20 का भी ए ऑप्शन चला जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपकी सोच डेवलपमेंट हो। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर यूपी टेट में दिख जाते हैं तो आप पीछे नहीं हटे, उन्हें करने के लिए आगे आए। ठीक है, तो दोस्त अब हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक नीति, आर्थिक स्थिति, डी बालक का लालन एंड पालन। तो 21 का दोस्त चला जाएगा अधिगम शैली में अंतर क्या है भाई, बी ऑप्शन के साथ, क्या चला जाएगा, बी के साथ, शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति से। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो भाई इसकी चार ऑप्शन आप सभी के सामने, आप देख लीजिए। इसकी एक बार ट्रिक बता देता हूँ शुभोपली, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी आपने सुना होगा, देखो शुभोपली याद रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। तो क्या ट्रिक है दोस्त, इसकी एक ट्रिक है वो आपको देखनी है, क्या है, शुभोपली। तो किसमें हो रहा है भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। तो 22वें का क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, 22वें का ए ऑप्शन चला जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ट्रिक क्या है, शुभोपली, क्या है, शुभोपली। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना। 23 क्वेश्चन देखते हैं भाई, मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी केवल वातावरण का। तो 23 का भाई मैंने काफ़ी बार बताया आपको चीख चीख के, तो क्या हो जाएगा, सी। कक्षा एक और दो के बच्चे ए अमूर्त अनुभव से सीखते हैं, मूर्त अनुभव से सीख सीखते हैं, सी पढ़कर सीख सीखते हैं, डी लिख कर सीख सीखते हैं। 24 का ऑप्शन हो जाएगा वही, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। मूर्त मतलब कोई चीज़ है, जैसे हाथी के बारे में बताना तो उसे वही हाथी का फोटो दिखा के बताइए। ठीक है, ट्रेन के बारे में बताना तो उसे ट्रेन की स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें करनी है दोस्त। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, वे कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वे डी, जो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए वही बच्चे के सामने, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकेगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं भाई, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, ए सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, वी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, सी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, डी समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी देख लीजिए भाई। भाई समाजीकरण का जो तात्पर्य है ना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की क्षमता का विकास करना है। अनुकूलन और समायोजन अगर आपने बना लिया ना तो वातावरण काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है,
ये शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, वी उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, सी पढ़ाने की उत्सुकता, डी धैर्य और लगन। तो भी 27 का चला जाएगा धैर्य और लगन, ठीक है। ये शायद रिपीट हो गया है, पिछले वाले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो भाई बताइए, नर्सरी कक्षा के बालक के लिए सबसे अच्छा क्या होगा जहाँ वो सबसे ज़्यादा रहता है? तो एक ही चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मेरा परिवार। तो इसका कौन सा ऑप्शन चलाएगा? सी। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व भाई किस में करता है वो? वस्तु स्थायित्व मतलब किसी थोड़ी थोड़ी वस्तुओं की तरफ इंटरेक्ट होना शुरू कर देता है। वो कौन सी होती है भाई? संवेदक परक चरण होता है, 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक कितना होता है बताइए भाई? ये मूर्त होता है 7 से 11, और ये 11 से ऊपर, तो ये कितना हो गया भाई? ये 2 से 6 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखिए, काफ़ी प्याजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए भाई। मैंने लेक्चर दिया है प्याजे पर अलग से, बिल्कुल आप देख लीजिए, वाइगोस्की पे दिया है, कॉल वर्क पे दिया है, आप मेरे लेक्चर देख लीजिए, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आसान भाषा में। भाई लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन मिलने की काफ़ी चांसेस हैं भाई इस बार भी। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ए सुगम करता की, अनुदेशन करता की, बी प्रशिक्षक की, डी नियंत्रण करता की। तो किसकी होनी चाहिए दोस्त? ए सुगम करता की। तो दोस्तों आज आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ें और बताने की कोशिश की है इसके साथ साथ। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि इसी तरह आपको लेक्चर मिलते रहे भाई बाल मनोविज्ञान के, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं मॉडल पेपर 5 के साथ।